चलिए बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्लास 8 इनिंग्स 2.3 यूनिवर्सल मैथमेटिक्स प्राइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैंने सारे पार्ट्स लिख लिए हैं ए टू ई, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो कितना सिंपल है, आप देखते जाइए, दो मिनट में आप सीख जाएंगे कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम लिखने जा रहे हैं ए वाला। तो पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप उतार लेंगे, 6 2 5 0 0 3 2 9 8.25, ये आपने उतार लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अगर पहले से कहीं पे पॉइंट है, ठीक है, अगर पहले से कहीं पे पॉइंट है तो उसके आगे से आपको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो आपको लिखना है, आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है, हर बार आपको एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है अगर आप लगा सकते हो। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है तो हम छोड़ देंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले आप ये सीखिए, जब आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट साइड पे, तो आपको पावर प्लस की लगानी है। कैसे, देखिए दोबारा से, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना, तो 6 ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 0.25 0 0 0 0 3 2 9 3 2 9 8 2 5, ये वाला पॉइंट बिल्कुल हट जाएगा। अब आपको लगाना है मल्टीप्लाई, 10 की पावर हो जाएगी 8, क्योंकि हमने 8 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया है, और पावर आएगी प्लस में। तो जब आप लेफ्ट साइड जाओगे तो पावर प्लस में आएगी, और जब राइट साइड जाओगे तो पावर नेगेटिव में आएगी। ग्राफ में वैसे जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में लेफ्ट साइड पर जब जाते हो तो नेगेटिव पावर आती है, मगर यहाँ पर उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब बी देखिए, जब आप और देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। बी देखिए, 0.80 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 9 8 3 2 9 8, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए, मुझे 3 के बाद पॉइंट चाहिए। मतलब जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हमारा तरीका ये है कि एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है, एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 3 के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये तो गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, 3.298 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, क्योंकि हमारा राइट साइड में गया है। ठीक है, सी पार्ट देखिए, काफी इजी है, डरना नहीं है। ठीक है, सी पार्ट में क्या है, 0.12340 है, 1 2 3 4, फिर 8 है, फिर मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2 है। तो यहाँ पे पहले से पावर माइनस 2 है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपको सिखाया गया है, देखिए 1 2 3 4 5 5, मतलब 8 के बाद हमें पॉइंट चाहिए ना, यहाँ पे जो नंबर होता है उसके बाद पॉइंट चाहिए होता है। सो 8, ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगाओ ना लगाओ मर्जी है, क्योंकि आगे कुछ बचा नहीं है, 8 के यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, फिर भी लगा के दिखा देते हैं, अगले स्टेप में हटा देंगे। ठीक है, मान लीजिए 8 पॉइंट, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ है नहीं बेसिकली, राइट, आप चाहो तो थोड़ा सा 0 लगा लो ताकि आपको पता चले पॉइंट कहाँ पर है। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 10 की पावर हो गई -5, और पहले से 10 की पावर -2 है, सो लिखा रहने दो। अब इसको और आगे हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8, क्योंकि 0.0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और -2 कितनी हो जाएगी, -7, 10 की पावर -7। ठीक है, 10 10, और बीच में मल्टीप्लाई, तो जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो पावर्स होती हैं उनको हम प्लस कर देते हैं। तो -5 और -2 को जब प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या है, 100.001, ये है हमारा मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बच्चों, 10 की पावर 3। दोबारा से अब हमें किस तरफ जाना है, हमें इस तरफ जाना है। सो 1 2, यहाँ पे पॉइंट चाहिए हमें 2 के बाद, 1.00001 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2, 10 की पावर हो जाएगी 2, वो भी प्लस की क्योंकि इस तरफ चले हैं, और पहले से 10 की पावर कितनी है, 3 है। अब दोबारा से बेस सेम है, 10 10, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, और पावर कितनी है, 2 और 3, तो प्लस कर देंगे। तो 1.01 2 3 4 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5, 10 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 5। ठीक है, ई पार्ट देखिए, इसका देखिए 3
जीरो, थ्री जीरो, थ्री उसके बाद हमारे सिक्स जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखिए हमें पॉइंट कहाँ चाहिए, वन पहले पहले पॉइंट लगा लेते हैं बाद में काउंट कर लेंगे ना, थ्री पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। चलिए ये था, तो हमने कहाँ लगा दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन के बाद लगा दिया, तो टेन की पावर हो जाएगी हमारी टेन, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन दी यूजुअल फॉर्म। इसमें हमें क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। इससे पहले जो हमने किया था ना, जिस टाइप से लिखे हुए थे वो थी हमारी यूजुअल फॉर्म, उसको हमने कन्वर्ट किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे यहाँ पे उल्टा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको आ गया, आप देखिए अगर ये हमें दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो उसको यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी सीख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ लिखिए सोल्यूशन, ए है हमारा, ए करते हैं देखिए, 5.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर है हमारी 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करिए, जो पॉइंट होगा ना पॉइंट, उसको हटाना है। पॉइंट को कैसे हटाते हैं, देखिए मैंने आपको सिखाया था पॉइंट को हटाना, ये मान लीजिए 5 है, मतलब मुझे पॉइंट को हटाना ही है, तो पॉइंट के बाद कितने यहाँ पे दो नंबर हैं, तो 5 लिखिए इसको, मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे लिखेंगे आप, जब ये राइट साइड में जा रहा है तो माइनस पावर होती है, माइनस 10 की पावर माइनस 2, और पहले से है 10 की पावर 4। सबसे पहले आपको इसको ऐसे लिख लेना है। अच्छा इसके बाद क्या करना है, आप देखिए 5.12 आप डायरेक्ट लिखिए दोबारा से, 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस 2 बीच में मल्टीप्लाई, तो उनको प्लस करेंगे, सो माइनस 2 प्लस 4 कितना हो जाता है 10 की पावर 2, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर हो जाएगा हमारा 2। ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको बेसिकली क्या करना होता है, इसमें आपको इसको आगे सॉल्व कर देना है। तो आप सिंपल लिखेंगे 5, 1, 2, दो जीरो हैं तो 1 और 2, ये आपने कर दिया सॉल्व, ठीक है ना। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे बी पार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बी पार्ट, अब बी पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है, तो जब पॉइंट वगैरह कुछ ना हो तो आपको सिंपल करना है, पॉइंट तो यहाँ पे है नहीं, तो हम सिंपल लिखेंगे 3। अभी 10 की पावर माइनस 8 है ना, तो क्या करोगे यहाँ पे 10 की पावर माइनस 8 है ना, तो सिंपल जब पावर होगी माइनस 8 तो पहले आप उसको प्लस की बना लेंगे, तो प्लस की बनाने के लिए आपको नीचे लाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। माइनस की पावर को अगर नीचे लाओगे तो 10 की पावर 8 हो जाएगी। अब यहाँ से सिंपल भी अब आपको आता होगा, इसका मतलब है नीचे जो है 1 के साथ 8 जीरो है, तो 8 टाइम्स आपको काउंट करना है और आपको जीरो लगा देना है, मतलब आपको इसके लिए क्या करना है, आपको 10 की पावर 8 हो गई, ठीक है। तो अब आपको इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखो 3 ये हो गया, और यहाँ पे 8 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका पॉइंट, ठीक है। थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मान लीजिए 8 चाहिए ना आपको, यहाँ पॉइंट आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 3 हो गया हमारा 8, 10 की पावर 8 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने 8 के बाद यहाँ पे लगा दिया, 8 डिजिट के बाद हमने लगा दिया यहाँ पे 0, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, ये आपको आता होगा बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए अगर कहीं पे आपका लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 22/100, तो उसको आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो 0.22, क्योंकि आप दो काउंट करते हो। कहीं पे आपका लिखा हुआ है 5/10, तो उसको आप क्या लिखते हो 0.5, तो उल्टी तरफ चलते हो ऐसे, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर भी वही था, पहले क्या था यहाँ पे माइनस की पावर थी, हमने प्लस की पावर बना ली, प्लस की पावर बनाने के बाद हमने क्या करा, हमने सिर्फ हमने काउंट करे यहाँ पे 8 थे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और हमने इसको सॉल्व कर दिया। आगे करो देखो, अभी आपको और समझ में आएगा, सी पार्ट पे आ जाओ, पहले सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है, 0.001 मल्टीप्लाई 10 की पावर है हमारी यहाँ पे 6। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर पहले से पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट को हटा लेना है, और अगर पहले पॉइंट नहीं दिया हुआ, इस टाइप से दिया हुआ है तो ऐसे करना है, फिर ऐसे सॉल्व कर देना है। तो पहले यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को हटाने का मकसद क्या, आप बिना पॉइंट को हटा के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि पहले पॉइंट को हटा के करना पड़ेगा, बिना पॉइंट को हटा के कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और आप इजीली कर पाए। पहले पॉइंट को हटा लेंगे, तो ये पॉइंट हटेगा मतलब राइट साइड में जाएगा, 1, 2, 3 राइट साइड में है ना, मतलब इस पॉइंट को हमें हटाना है, बेसिकली हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये लगाना पड़ेगा, तो राइट साइड में हम जाएंगे। तो मैंने इसको लिख दिया 1 मल्टीप्लाई
एन की पावर माइनस थ्री, क्योंकि हम राइट साइड में गए हैं, पॉइंट को हटाने के लिए राइट साइड में गए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई एन की पावर सिक्स पहले से है। ध्यान देना यहाँ पे हमने क्या, ये क्वेश्चन था हमारा, तो हमें पॉइंट को हटाना था, राइट, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम इस साइड जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में आपको पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए आपको कहाँ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट होगा इस तरफ, राइट तरफ। जब भी आप राइट साइड जाएंगे ना तो माइनस की पावर आएगी। यहाँ पे पॉइंट था, मुझे इस पॉइंट को यहाँ पे लाना था बेसिकली, मतलब टू के बाद लाना था, टू के बाद पॉइंट लगाऊ ना लगाऊ मर्जी है, 512 लिखूं या 512.0 लिखूं, एक ही बात है, राइट। तो राइट साइड में जाना था, पॉइंट को हटाने के लिए हमेशा नेगेटिव पावर आएगी, तो यहाँ पे पॉइंट था, मुझे इस पॉइंट को राइट साइड में लगाना था, मतलब यहाँ पे वन के यहाँ पे लगाना था, मतलब बेसिकली इसको बोल दो हटाना था, तो माइनस थ्री पावर आएगी। अब ये इसके आगे दो जीरो आप लगाना लगाओ मर्जी है, ठीक है, वन के आगे दो जीरो लगाओगे तो 001 या फिर वन, एक ही बात है, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो वन ये हो गया, 10 की पावर माइनस थ्री, 10 की पावर सिक्स, बीच में मल्टीप्लाई, तो माइनस थ्री प्लस सिक्स हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगा हमारा थ्री प्लस का। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वन को 10 की पावर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब वन को 10 की पावर थ्री का मतलब है 1000, वन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा सी पार्ट हो गया। डी पार्ट देखिए बच्चों, अब डी पार्ट में क्या बोला इसने, सेम 3.457 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस नाइन, ठीक है, तो यहाँ पे पहले से पॉइंट है और पावर नाइन है, कैसे करेंगे, जैसे हमने ये वाला करा था या हमने ये वाला करा था, सबसे पहले पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये इधर की तरफ राइट तरफ जाएगा, 1 2 3, मतलब तीन नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा तो हट जाएगा, तो हमने इसमें बना दिया 3.457 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस थ्री, ठीक है, 1 2 3, और पहले से 10 की पावर कितनी है, माइनस नाइन, ये आपको समझ में आया। अब माइनस थ्री और माइनस नाइन आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.457 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो जाएगा आपका माइनस 12, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, और माइनस थ्री और माइनस नाइन को प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 12, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए, अब इसके बाद हम क्या करते थे, यहां से हमारा ये वाला स्टेप होगा, ये वाला स्टेप, तो पावर को हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे, 3.457 अपॉन में एन की पावर 12, अब पॉइंट लगा देंगे दोबारा से, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, तो हमें 12 मतलब 10 की पावर 12 मतलब है नीचे 1 के साथ 12 जीरो है, ठीक है, तो 12 डिजिट्स हमें काउंट करनी है, उसके बाद पॉइंट आएगा। तो देखो चार तो पहले से है, ठीक है, तो चार पहले से है, तो पहले यहाँ पे अगर मैं उल्टी साइड चलूंगा तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मुझे 8 जीरो लगाने पड़ेंगे, इतने 8 जीरो, तो एक काम करता हूँ मैं लगा लेता हूँ 0.12345678 3457, ठीक है, अब देखो 12 ही है, आपको उल्टी साइड से लिखना है, मैंने तो यहाँ से जानबूझ के लिखा है ये, ताकि मुझे थोड़ा ठीक से मैं लिख पाऊँ, अंदाजा हो जाए, आपको उल्टी साइड से लिखना है, आप कैसे भी लिख सकते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। देखिए 10 के बाद 10 की पावर थी 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पीछे बुक में बस कितना दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए हुए हैं और 3 दिया हुआ है, 4 5 7 नहीं दिया हुआ, वो आपकी मर्जी, आप चाहो तो लगा दो, चाहो तो ना लगाओ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमें दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया, मगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम करेंगे, ठीक है, चलिए डरना नहीं है, काफी आसान है। अब देखिए ये 1.1 अपॉन में 2.5 mm मिलीमीटर्स इन मीटर्स, हमें mm को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होता है, जो भी होता है, ठीक है, तो मान लीजिए इसको कन्वर्ट करना है ना, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में 2.5 mm इन मीटर्स, ठीक है, इसको अब हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे कैसे हमें कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे 1 अपॉन में 2.5 डिवाइड करेंगे हम 1000 से, 1000 हमने डिवाइड कर दिया तो बन जाएगा हमारा ये मीटर, सबसे पहले आपको ये लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे और इसको ईजी बनाएंगे, डिवाइड को कर देंगे कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उल्टा हो जाता है, मतलब
रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, मतलब वन, तो वन आ जाएगा ऊपर और ये हमारा आ जाएगा नीचे, थाउजेंड, ठीक है, मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, सिंपल जैसी कैलकुलेशन आप करते हो, वन वन जा वन अपॉन में 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे सर, 2, 5, 1, 2, 3, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दोगे, ये आपको आ गया। अब ये आपका हुआ कितना, ये आपका हुआ 1 अपॉन में 2500, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर आप ध्यान दें तो इसको आप ये लिख सकते हो, 1 अपॉन में ये है ना, तो 25 × 10 की पावर, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, राइट, एक ही बात है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2500 को आप 25 × 10 की पावर 2 आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, अभी 10 की पावर 2 है ना, इसको आपको ऊपर भेज देना है, ठीक है, 1 अपॉन में 25, 10 की पावर 2 को ऊपर भेज दो, सो मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। अब 25 को और 1 से जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करना है देखिए, जैसे मान लीजिए 1 अंदर है 25 बाहर है, तो डिवाइड करना है आपको, क्योंकि जो तो पॉइंट लगाएंगे 0 तो नहीं जाएगा, एक और 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 25 × 4 = 100 होता है, तो 0, तो कितना आ गया, 0.04 आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसी जगह पर लिख देंगे 0.04, ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक 0 लगा लो, मुफ्त में अच्छा लगता है, पता चलता है कि पॉइंट बेसिकली है कहाँ पर, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट को हटाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है जिसमें यहाँ पर कोई नंबर होता है, जैसे मान लो 2.5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप की कुछ होती है कि यहाँ पे एक नंबर होता है, यहाँ पे 0 नहीं चाहिए हमें, हमें 1 हो 2 हो 3 उसके बाद हमें पॉइंट चाहिए होता है, और यहाँ पे पॉइंट अभी 0 के बाद है, हमें पॉइंट किसके बाद है, 0 के बाद है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट को हटा देंगे। मैंने आपको सिखाया था पॉइंट को हटाने के लिए राइट साइड जाना पड़ेगा, जब राइट साइड जाएंगे तो माइनस की पावर आ जाती है, तो ये बन जाएगा हमारा 4 × 10^-2, क्योंकि हमने जो हटाया उसका, और ये वाला अलग से लिख देंगे 10^-2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हमारा बन गया 4 × 10^-2 मतलब -4 पावर+ हो जाएंगे, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये सारा आंसर हमारा किसमें था, मीटर में था, मीटर लगा के चलिए यहाँ पे, तो ये मेरा आंसर हो गया मीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। बी पार्ट देखिए जल्दी से, बी पार्ट, बी में क्या है, 0.005 सेंटीमीटर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो कैसे करेंगे, दोबारा से, सेंटीमीटर को जब हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है, ये सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। 1 meter = 100 centimeter, सो मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड, ठीक है, तो 0.005, ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है इससे 100 से, ठीक है, सॉरी ये 100 है बस, 100, ये हो गया हमारा मीटर, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे 1 लगा के नहीं दिखाया था आपको, मगर आप चाहो तो ऐसे 1 लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 0.005 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन में 100 मीटर। क्या करेंगे, अब हम पहले इस पॉइंट को हटा लें या ना हटाएं, मर्जी है, तो 10 को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो इसको लिख रहे हैं दो, 0.005 × 10 टेन को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब ये है क्या, मतलब इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10^2 meter, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये आ गया था ना हमारा, अब हमारा आ गया 0.005 × 10^2 था ना, इसको ऊपर लेके जाओ तो 10^-2 हो जाएगी, ठीक है, और मीटर हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे पावर होती है ऊपर लेके चले जाते हैं तो माइनस की पावर हो जाती है, माइनस की पावर को ऊपर से नीचे लाते हैं तो प्लस की हो जाती है, इतना हो गया। अब देखिए, अब मुझे पॉइंट को हटाना है ना, तो इसको मैं 5 बना दूंगा, क्योंकि 1, 2, 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 3 राइट साइड हम जा रहे हैं, राइट साइड, तो मल्टीप्लाई राइट साइड में जाते हैं तो माइनस की पावर आती है, ठीक है, और यहाँ पे पहले से पावर है -2, ये हो गया हमारा मीटर, ठीक है। तो अब देखिए कितना आंसर हो जाएगा, 5 × 10^-3 और -2, तो कितनी हो जाएगी, -5, यहाँ पे हो जाएगा मीटर, और मेरा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरा सॉल्व।
चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2.3 का, इनिंग्स 2.3 का। द मास ऑफ अ सेल इज 1600 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 जी, मतलब ग्राम। फाइंड द मास ऑफ 20 सेल्स एंड राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो हमारा मास है ये हमारा एक सेल का है। कैसे पता चला एक सेल का है? द मास ऑफ अ सेल, अ सेल मतलब एक सेल, एक सेल का मास इतना है, हमें ऐसे 20 सेल का मास निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक टॉफी 10 रुपए की है या एक चॉकलेट अगर 10 रुपए की है तो 10 चॉकलेट कितनी की होंगी? हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, द मास ऑफ अ सेल इज इतना, तो आप लिख लीजिए इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है। मास ऑफ अ सेल, मास ऑफ अ सेल कितना है? 1600 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 20 ग्राम, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसको भी छोड़ जाइए, पहले हम मास निकालते हैं 200 सेल्स का। तो मास ऑफ 200 सेल्स, अब यहाँ पे एस आ जाएगा, है ना, ये अ सेल मतलब एक ही सेल था तो एस नहीं आया था, अब सेल्स बन जाएगा। 200 सेल्स वो कितना हो जाएगा? 1600 मल्टीप्लाई 10 की पावर है माइनस 20 ग्राम मल्टीप्लाई 200, हम इस पूरे को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आंसर कितना आ जाएगा, देखो कितना सिंपल है, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करो 32 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करा है इसको और इसको मल्टीप्लाई करा है, इसको हमने छेड़ा ही नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 10 की पावर माइनस 20 जी। ये हमारा हो गया मास ऑफ 200 सेल्स। अब हमें लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये है ना, उसको लिखेंगे 3 2। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले पूरा लिख लेते हैं, चलो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 20 जी है, ये है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 4। और मैंने आपको सिखाया भी था, जब आपको राइट साइड जाना होता है, मतलब आपको राइट साइड जाना है, पॉइंट आपको यहाँ लगाना है यहाँ पे, तो माइनस में पावर आती है 10 की, और जब आपको लेफ्ट साइड जाना होता है तो प्लस में पावर आती है। कैसे, देखो अब ये जो आपका चार आया, आपको मुझे पॉइंट यहाँ पे चाहिए था, 32 के बाद पॉइंट चाहिए था, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स के बाद मुझे पॉइंट चाहिए था, तो 10 की पावर मैंने लगा दी 4। अब 32 के यहाँ पे पॉइंट लगाओ ना लगाओ मर्जी है, एक ही बात है, 32 लिखो या फिर 32 पॉइंट लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 20 ग्राम, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अब देखिए क्या आएगा, ये 32 है मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा मेरा 10 की पावर माइनस 20 और 10 की पावर 4, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 10 की पावर माइनस 20 और 4 हो जाएगा मेरा माइनस 16, राइट, 10 की पावर माइनस 16। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे मुझे शायद 10 की पावर 5 लगा रहा था, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मेरे माइंड से निकल गया था, हमें 3 के बाद पॉइंट चाहिए, हमें 3 के बाद पॉइंट चाहिए बेसिकली। क्यों? क्योंकि क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको 1 नंबर के बाद पॉइंट चाहिए होता है, 0 को छोड़ के, मतलब 1 के बाद पॉइंट या 2 के बाद पॉइंट या 3 के बाद पॉइंट, तो हमें यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे ऐसे किया था, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। अब मुझे पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 3, ठीक है, ये 3 हो गया। अब 32 को मुझे क्या लिखना है, 3.2 लिखना है, 3.2। तो अभी यहाँ पे जब कहीं पर भी पॉइंट आपको ना दिखे ना, तो समझ लेना पॉइंट हमेशा यहाँ पे होता है। जब कहीं पर भी पॉइंट ना दिखे, मतलब पॉइंट है ही नहीं बेसिकली, इसका मतलब हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। तो मैं एक डिजिट लेफ्ट आ गया, लेफ्ट आ गया ना, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 16 तो पहले से था, ठीक है। अगर मैं यहीं पे कर लेता 10 की पावर 5 कर लेता, तो 1 2 3 4 4 में चला था, 4 आ गया, एक और चलता तो 3.2 बनाता, इसके बाद मैं यहाँ पे अगर आता तो 10 की पावर 5 हो जाती, तो और जल्दी सॉल्व हो जाता। बट कोई बात नहीं, अगर आपसे भी छूट जाए तो आप काटने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 16 और 10 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 15, क्योंकि दोनों की पावर को प्लस करेंगे, 16 माइनस 16 बड़ा है, ये हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया, अच्छा ग्राम में चल रहा था, इसके एंड में ग्राम लगाना मत भूलना, ग्राम, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट, और इसके साथ मेरी इनिंग्स 2.3 हो गई कंप्लीट।